हेलो एवरीवान कैसे हैं सारे बच्चे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा आई होप सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कर रहे हो कि नहीं बेटा नीट की आपकी क्लासेस चल रही हैं लाइक यू नो डेली टेन ओ क्लाक आपकी क्लासेस होती हैं मेरे साथ नीट बायोलॉजी इस क्लास में हम एनसीआर की रीडिंग लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ते हैं और बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है ठीक है आज भी यही करने वाले हैं ठीक है बेटा बायोटेक एंड एप्लीकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ यहाँ पे आज मैं आपको कराने वाली हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल बायो पायरेसी क्या है तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं तो अभी तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा टॉपिक यहाँ से रह गया है ठीक है चलो बट पहले इससे पहले बेटा दो क्वेश्चन आपके पास आएंगे दो क्वेश्चन अभी आएंगे और तीन क्वेश्चन आपके लास्ट में आएंगे तो जल्द इसे कोर्स अटेंड करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया इंडिया में बेटा जो सबसे पहला मॉडिफाइड प्लांट रिलीज हुआ कौन सा था अगला देखेंगे सी इज नोन एज वॉट बेटा सी डी एन बेसिकली क्या होता है जल्दी बताएंगे ठीक है चलो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन यहां पे आपको दे रहा है था कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कि इंडिया में सबसे पहले रिलीज किया गया दैट यू नो इज बीपी कॉटन ऑल राइट उसके बाद बेटा क्या दे रखा है सी डी एन ए क्या होता है नाव सी डी एन ए आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए कल की क्लास में हमने सी डी एन ए के बारे में पढ़ा बेटा मैंने आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी मैंने आपको सारा प्लांट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनको किस किस लिए बनाया गया उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है सी डी एन ए स्टैंड फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए ठीक है अब आज पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब यहां पे तो एज सच तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा यूजुअली होते क्या हैं? यू नो जैसे हमने प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था हम एनिमल्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं यानी कि जब मैं कोई फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करूं, तो बेटा उसको मैं ट्रांसजेनिक एनिमल बोल सकती हूँ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं अब ये कोई डिजायर्ड है लेट सपोज मैंने ये किसी भी चीज़ के लिए सीक्वेंस डाल दिया हो सकता है मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना हो लेट्स आज हम पढ़ेंगे रोजी काओ के बारे में विच वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल बेटा हमको एक ऐसा मिल्क चाहिए था जिसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स हो तो हमने एक सीक्वेंस को रोज़ी द खाओ में एंटर किया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड काओ बनाया वो बेटा जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है लैक एल्ब्यूमिन एल्फ़ा लैक एल्ब्यूमिन ठीक है बेटा अब यहाँ पे क्या है तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं लेट सपोज अगर मुझे किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना हो या मान लो मुझको कोई पर्टिकुलर देखना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कैसे अपीयर होगा आ, क्या ये टॉक्सिक है कि नहीं क्या ये किसी चीज़ को दिखाता है क्या किस तरीके से ये बेटा शो होता है इसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा होता है तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं ठीक है एंड यू नो वॉट कोई भी वैक्सीन बनती है कोई भी वॉक्सी बनती है तो बेटा उनको भी हम एनिमल्स में माइस में इंट्रोड्यूस करके ये चेक करते हैं कि क्या वो वैक्सीन सेफ होगी क्या उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे कई सारे रीजन के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं अब देखिए कि बेटा यहाँ पे क्या लिखा है एनिमल्स दैट है ऑब्वियसली जिनका डीएनए मैंने मैनिपुलेट कर दिया जिसके अंदर अब एक एक्स्ट्रा कॉपी कोई फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है तो बेटा उसको ऐसे को क्या बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसके बाद देखो क्या लिखा है ट्रांसजेनिक रैट्स रैबिट्स पिग्स शीप्स काउ्स बेटा ये सब प्रोड्यूस होते रहते हैं और नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑल आर ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जो भी हमको चीजें पढ़नी होती हैं कोई भी सीक्वेंस के बारे में स्टडी करना होता है तो हम उसको माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं Now, see, क्या दे रखा है अब क्यों हम बेसिकली ये कर रहे हैं आखिर क्या बेनिफिट मेरे को मिलेगा इन सब चीजों का क्यों मैं इस तरीके के एनिमल्स प्रोड्यूस करूंगी तो बेटा यहाँ पे नंबर वन दे रखा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट यानी कि Let's suppose को देखना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बॉडी में किस तरीके के प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर रहा है यानी कि ये पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से क्या कैरेक्टर आने वाला है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो वो चीज मैं यहाँ देख सकती हूँ और वो कैरेक्टर कैसे नॉर्मली फंक्शन करता है कैसे वो डेवलपमेंट होती है वो चीजें देख सकती हूं तो देखो यहां क्या लिखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली designed टू अलाउ the स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड जीन रेगुलेशन का बेटा मतलब क्या होता है आपको पता है डीएनए आपका एम आर एन ए में बदलता है और एम आर एन ए बेटा प्रोटीन में बदलते हैं ठीक है अभी क्यों बदलते हैं क्योंकि बेटा इस एम आर एन ए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है उन फिनोटाइप्स की यानी कि बॉडी में कैसा कैरेक्टर दिखने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एम आर एन ए में मैसेंजर आर एन ए में प्रेजेंट होती है और हर इंफॉर्मेशन हर चीज हमारी बॉडी में कैसे दिखती है हमारे आईज का कलर कैसा है हमारा स्किन का कम्पलेक्शन कैसा है हेयर किस टाइप के है तो वो सारी चीजें बेटा अल्टीमेटली कहाँ है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल में होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस होती है अब आपको भी पता है पूरा जो हमारा डीएनए है इसके अंदर जितने भी जीन्स हैं बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन्स वो होते हैं जो आगे जाकर के प्रोटीन्स बनाएंगे तो एमआरएनए का स्ट्रक्चरल पार्ट का बेटा प्रोटीन्स बन गया और रेगुलेटरी जीन्स वो होंगे जो उन स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करेंगे ये देखेंगे कि आखिर इनको कैसे बनाया जाए ठीक है तो यहां पे क्या होगा तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा हाउ डीज जीन्स आर रेगुलेटेड ये हम देख सकते हैं देन क्या दे रखा है हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट तो कोई भी चीज ये देखनी है मुझको लेट सपोज कि मैं कोई एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल रही हूं और मुझको अब ये देखना है कि इससे क्या नॉर्मल बॉडी फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ता है किस तरीके से ये डेवलप कर रही है बॉडी क्या इसकी ग्रोथ हो रही है एग्जाम्पल बेटा स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स एग्जाम्पल आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो ये आपको पता होना चाहिए ये हम इस तरीके से देख सकते हैं देन बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशी डेट ऑल्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑब्वियसली मैंने उसका ऑल्टर कर दिया उसको पढ़ लिया तो इस तरीके से बेटा मैं क्या कर सकती हूँ इंफॉर्मेशन हम ऑप्टेन कर सकते हैं कि, कि किस तरीके से कोई फैक्टर बॉडी के अंदर काम कर रहा है ठीक है तो एक ये मकसद हो गया आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को पढ़ना दूसरा दिखेंगे स्टडी ऑफ डिजीज अब किस तरीके से हम डिजीज को स्टडी करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो देखेंगे यहां पे दे रखा है मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज अब देखो इसका क्या मतलब है लेट सपोज कोई पैथोजन डिजीज कॉज करता है कोई बैक्टीरिया है जो कि बच्चों डिजीज कॉज करता है अब ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज क्यों करता होगा क्योंकि इसके पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कोड करता है उस डिजीज कॉजिंग चीज के लिए कुछ ऐसी चीज है कुछ ऐसे सीक्वेंसेस है जो बेटा रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने के यस और नो अब अगर मैं ये सीक्वेंस स में डालती हूं या ओ सॉरी एनिमल्स में डालती हूं नॉट ह्यूम ने हम एनिमल्स बना रहे हैं अगर मैं इसको एनिमल्स में डालती हूं तो मैं इसको देख पाऊंगी कि आखिर ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है किस तरीके से डिजीज कॉज कर रहा है क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं और इसलिए मैं बेस्ट ट्रीटमेंट उसके लिए पता लगा पाऊंगी तो बेटा ये किस चीज में हेल्प करेगा हमको किसी ट्रीटमेंट को बारे में पता करने को लेट सपोज सिस्टिक सपोज सैलमोनेला फूड पॉइजनिंग कोई भी चीज हम माइस में डाल रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रही है और बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका एक ट्रीटमेंट प्रॉपर निकालेंगे ठीक है तो ये क्या करते हैं बेटा ह्यूमन डिजीजेस को पता लगाने में मदद करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में करते हैं मदद न्यू ट्रीटमेंट्स की एग्जाम्पल कैंसर सिस्टिक फेब्रोसिक आर्थराइटिस एंड तो ये जो डिजीज को मैं अगर डालूंगी सॉरी ये डिजीज के सीक्वेंस देखूंगी कि हाउ दिस डिजीज यू नो बॉडी के अंदर कैसे कैसे काम कर रही है और कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट होगा ये स्टडी करके फिर वो ट्रीटमेंट हम ह्यूम को प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है आगे देखेंगे बेटा तीसरा मेथड होता है बायोलॉजिकल मेथड नाउ लेट सपोज जैसे हम प्लांट्स में कर रहे हैं प्लांट्स में बेटा मैं क्या कर रही थी फ्लेवर सेवर टोमेटो बना रही थी आ, या फ्लेवर सेवर छोड़ो गोल्डन राइस बना रही थी प्लांट्स में मैंने बेटा गोल्डन राइस बनाया उसको कुछ इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया कि वो पर्टिकुलर राइस प्लांट काफी ज्यादा वाइटमिन ए प्रोड्यूस कर रहा है यस और नो तो अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो उस उस राइस को खा करके वाइटमिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी यानी कि हम ऐसा सेगमेंट डाल रहे हैं जो कोई प्रोडक्ट्स बनाए आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट्स तो ये बैक्टीरिया बना सकता है या ये प्रोडक्ट तो ये प्लांट बना सकता है ये प्रोडक्ट ये एनिमल बना सकता है तो आपने उस सीक्वेंस को उसमें डाला उसके अंदर ऑल्टरेशन हुई उसके अंदर जीन का एक्सप्रेशन हुआ और वो प्रोटीन बना यस और नो इसी तरीके से बेटा आएगा अगर मेरे अंदर ऑल्टरेशन कर दिया मैंने जेनेटिक मटीरियल का तो ऑब्वियसली अब वो मेरा जेनेटिक मटीरियल है तो मेरी जेनेटिक मशीनरी जो है जो मेरा सेंट्रल डॉगमा होगा बेटा वो क्या करेगा वैसे ही प्रोटीन बनाएगा तो यही तो पढ़ना था यही तो बनाने थे तो यहां पे देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेटा हमने कैसे यूज किए मेडिसिन रिक्वायर टू ह्यूमन डिजीजेस ठीक है कैन ओबेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक तो यही से अगर बात मान लो लेट सपोज अगर मुझे किसी डिजीज को ही ट्रीटमेंट देना हो और वो डिजीज अब लेट सपोज किसी मैंने एनिमल में डाला ठीक है एनिमल में डाला अभी क्या हुआ एनिमल में उस डिजीज के सिम्टम्स शो हुए तो मैंने पढ़ लिया मैं ट्रीटमेंट देखूंगी हो सकता है कुछ एंटीबॉडी उस एनिमल में बन जाए या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको मैं निकालना चाहती हूँ तो बेटा वो सब करने के लिए इट विल बी एक्सपेंसिव तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बेटा ले लेंगे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकता है अब एग्जाम्पल्स आपको याद रख रहे हैं ह्यूमन प्रोटीन विच इज एल्फा वन एंटी ट्रेप्सिन बेटा एनफाइसीमा को ट्रीट जो करता है उसके लिए बनाया गया सिमिलर बेटा ट्रीटमेंट फिनाइल क्यूटनोरिया के लिए बनाया गया सिस्टिक के लिए बनाया गया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1997 में बेटा सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी थी जिसका नाम था रोजी इसको क्यों बनाया गया क्योंकि इसको एक ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करना था विच इज वेरी वेरी नाइस तो मिल्क बेटा जो ये प्रोड्यूस करता है उसमें काफी अच्छा अल्फा लैक्टल होगा वेरी नाइस अमाउंट ऑफ लैक्ट कितना 2.5 ग्राम्स पर लीटर दूसरी चीज इसमें बेटा न्यूट्रिशन की अच्छी खासी वैल्यू होती है काफी डाइजेस्टेबल है काफी बैलेंस है इसीलिए न्यू बॉर्न बेबीज के लिए या ह्यूमन बेबीज के लिए ये अच्छा है ठीक है चलो नेक्स्ट बेटा वैक्सीन सेफ्टी अब वही बात हो गई मान लो हमने कोरोना की वैक्सीन तो बना ली कोरोना की वैक्सीन बना ली लेकिन क्या वो सही तरीके से काम करेगी क्या नहीं क्या वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ले आएगी तो ये सारी चीजें मुझको पता होनी चाहिए तो सिमिलरली बेटा माइस को या एनिमल्स को यूज किया जाता है वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वो ट्रांसजेनिक माउस को बेटा उसमें डालेंगे और देखेंगे क्या कोई पर्टिकुलर वैक्सीन कुछ काम कर रही है कि नहीं अगर ये सक्सेसफुल है रिलायबल है तो बेटा इसको रिप्लेस कर सकते हैं यूज ऑफ मंकीज मतलब फर्दर हमने रैप में देखा फिर हम क्योंकि अब हमारे मंकी से बॉडी ज्यादा सिमिलर है तो फिर हमने मंकी में देखा और फिर हम देखते रहेंगे कि आगे ये ह्यूमंस में कितना अच्छे से काम करेगी ठीक है नेक्स्ट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग बेटा यहाँ पे हम टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं देखो यहाँ पे क्या है बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे क्या कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना रहे हैं जिनके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं क्या बना रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड कैरी द जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू सर्टेन थिंग्स यानी कि लेट सपोज अगर मैं राइबोफ्लेविन से हूं, और मेरी बॉडी के अंदर मैं ऐसी चीज़ डालती हूं, आ, जो कि उससे दिखाएगा तो लेट सपोज अगर हम किसी टॉक्सिन से या किसी सब्सटेंस से किसी केमिकल से हम सेंसिटिव हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगी बेटा मुझको टेस्ट करना है कि कितना लेवल उसका टॉक्सिसिटी है तो हम क्या करेंगे

क्या बोला मैंने बेटा एक ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल की के प्रति सेंसिटिव है अब क्या होगा जो जीन्स इसको कोड करेंगे वो बेटा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी ऑर्गेनिज्म के अंदर और फिर वो केमिकल सब्सटेंस एक्सपोज कर दूंगी तो आई कैन सी हाउ दिस केमिकल सब्सटेंस बेटा इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं प्लीज टेक स्क्रीन शॉट काव शीप गोड बेटा ह्यूमन प्रोटीन बनाते हैं थेरोपेटिक का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि ट्रीटमेंट में मदद आए पिग में से बेटा ऑर्गन प्लांट प्लांट ट्रांसप्लांटेशन का निकलता है हमको निकालनी है ऐसी चीजें ऐसे यूज करना है कि बिना किसी रिजेक्शन के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सके ठीक है दूसरी चीज बेटा अच्छा एक होता है जीनोग्राफ्ट तो जीनोग्राफ्ट का मतलब ये ही है कि हम कुछ जो टिश्यू ऑर्गन जो की ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ठीक है तो बेटा पिग्स वगैरह को यूज करके हम उन एनिमल्स को यूज करके ये चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस होगा तो देर आर बेटा फिश का एग्जांपल दे रखा है ये निकालने के लिए माउथ का दे रखा है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर को उस जीन को इंसर्ट करते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज करेगा और फिर देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है कैंसर की ऑल राइट सबको समझ आया नो yes no, बेटा चलो पानी पी लेते हैं अब पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज विच इज द लास्ट टॉपिक देखेंगे ना वट यू अंडरस्टैंड बाई एथिकल इश्यूस अब यार देखो यार हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना दिए भाई माइक्रोब से शुरू किया था भाई क्या ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या ये इनवायरमेंट को खतरा नहीं हो सकता लेट्स सपोज हमने कोई माइस में ऐसा टेस्ट करने के लिए वो डाल तो दिया अगर वो वैक्सीन काम कर ही नहीं रहा हो सकता है वो कोई ऐसी डिजीज 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 प्रूफ कर, कर दे, आ, ऐसी कर दे दे ऐसी कॉज जो बेटा फैल जाए ऐसे ही तो डिजीजेस फैलती हैं जितनी भी वायरल डिजीज बेटा म्यूटेशन होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म में कुछ फ्लूड ट्रांसफर होते हैं और फैलती रहती हैं तो कोई अगर मैं किसी को ट्रांसजेनिक कर रही हूं या लेट्स सपोज मैंने किसी प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बनाया और किसी ना किसी वजह से वो नुकसान पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को या उसके आसपास ग्रो करने वाले दूसरे क्रॉप को या हो सकता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो या हो सकता है हमारे पास उसके लिए राइट्स ही नहीं हो तो वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे आती है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम जो भी चीज करते हैं हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे पास उसके अच्छा वैलिड रीजन हो प्रॉपर वैलिडेशन हो प्रॉपर अथॉरिटी हो और कोई नुकसान नहीं हो ह्यूमन को और मैनकाइंड को देखेंगे बेटा जब भी, भी हम मैनिपुलेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म में तो विदाउट ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो विदाउट रेगुलेशन ऑब्वियसली जब हमने मैनिपुलेट कर दिया तो रेगुलेशन तो होगा ना जब मैंने सीक्वेंस डाल दिया तो बेटा वो रेगुलेट तो हो जाएंगे ना

रिज़ल्ट्स होते हैं यह रिजल्ट या तो किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग को या फिर आई कैन से इनवायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है तो जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी बेटा ये इंडियन गवर्नमेंट की कमिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाएगा क्या वो सेफ है कि नहीं और वो पब्लिक सर्विसेज के लिए है कि नहीं सो विदाउट दैट डिसीजन नो बडी कैन डू दिस ऑल राइट आके देखेंगे नाव बेटा अब यहां पे एक और चीज आती है कि द मॉडिफिकेशन एंड यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड मेडिकल सोर्सेज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम मतलब लेट सपोज आपने किसी राइस से वाइटमिन ए वाला गोल्डन राइस बनाया और आपने इसका पेटेंट ले लिया आपने इसका पेटेंट ले लिया कि भाई मैं बना सकता हूं और ये है गोल्डन राइस जो मैंने बना लिया और अब इसको आगे जाके कोई यूज नहीं कर सकता और कुछ नहीं हो सकता तो मुझे क्या ये बताओ जिस जो सबसे ओरिजिनल राइस था जिसका वो राइस था क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रोइंग पब्लिक एंगल सर्टन कंपनी आर बींग ग्रांटेड पेटेंट कुछ कुछ कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेटा पेटेंट दे दिया गया कि आप ये चीजों को यूज कर सकती हैं। बट हो सकता है वो यूज किसी का कोई ट्रेडिशनल क्रॉप हो कोई भी बेटा ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो जो उस पॉपुलेशन को हार्म पहुंचा सकती है उसके लिए सही नहीं है तो यहाँ पे क्या करते हैं आ, ये लिखा है अब क्या है एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बताती हूं हमारे इंडिया में राइस बहुत जगह ग्रो करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करती है इन टोटल वी हैव टू लैक एस्टिमेटेड वेराइटीज ऑफ राइस जिसमें से कुछ कुछ राइस तो इतने बढ़िया हैं और बहुत अच्छे हैं बासमती राइस तो बेटा आप सबने सुना होगा देयर आर ट्वेंटी सेवन डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इमेजिन सत्ताईस ऐसी स्पीशीज हैं सताइस ऐसी वेराइटीज है एक बासमती राइस की आप देखेंगे सो देर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एशियन टैंक्स एशियन टाइम में बेटा कुछ चीज हुई थी क्या हुआ था 1997 में अमेरिकन कंपनी को पेटेंट दे दिया गया क्या दिया किसने दिया बेटा उनको पेटेंट दे गया दिया पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस तो इनको पेटेंट दिया यूएस ने और ट्रेडमार्क ऑफिस ने अब देखो क्या किया मैंने आपको बोला हमारी इंडिया में बहुत सारे राइस ग्रो कर रहे थे बासमती ग्रो कर रहे थे एक अमेरिकन कंपनी आई उन्होंने कुछ करना चाहा उन्होंने बेटा एक न्यू वेराइटी बना ली उस बासमती राइस की और वो न्यू वेराइटी में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो हमारी है ये करने की उनको हिम्मत कहां से आई यूएस ने और जो हमारा ट्रेडमार्क ऑफिस है उन्होंने बेटा उसको क्या दे दिए राइट्स दे दिए यानी कि पेटेंट दे दिया कि ये पेटेंट आपका है अब आप अपने नाम से यानी कि अगर आपने बनाई है ये चीज तो वो आपने ही बनाई है आप अपने नाम से इसको पेटेंट दे सकते हैं और ये चीज बन के बन सकती है ठीक है ना विद टाइम क्या हुआ बेटा पेटेंट जब फर्दर एक्सटेंड हुआ पेटेंट जब फर्दर एक्सटेंड हुआ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कैसे बना था इंडियन बासमती वॉट कॉस्ट विद क्रॉस्ट विद सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज क्रॉस कर करके कर करके कर, कर, बेटा ऐसी वैरायटी बनाई कि वो अब बहुत बढ़िया थी ठीक है अब देखेंगे बेटा क्या है तो इसकी वजह से क्या होगा यूएस ने इनको राइट दिया हमने तो नहीं दिया था दे शुड तो ये बायो एथिकल इश्यूज के अगेंस्ट है दे ये हमारे मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है तो क्या होगा दिस इज नोन एज बायो पायरेसी कि एक तो ना तो हमने उनसे पूछा जिसका वो राइस था हमने वो चीज बना ली दूसरी चीज बेटा अगर हम इसी को कंपनसेशन भी नहीं कर रहे हैं। कि भाई ठीक है ये आपका राइस है आप इतने इतने पैसे रख लो और मुझको आगे की वेराइटीज बनाने दो तो हो सकता है वो मान जाए तो यहां पे बेटा क्या हो रहा है ना ही आप कंपनसेट करते हो और आप पेटेंट बनाते हो दूसरी की चीज को इनको बोलते हैं बायो रिसोर्सेस क्या बोलते हैं बेटा बायो रिसोर्सेज दे कुड बी रिसोर्सिस प्लांट इट कुड बी एनिमल इट कुड बी माइक्रोप इन सब को हमने यूज किया और बिना कंपनसेशन के यूज कर रहे हैं तो दैट इज अगेंस्ट एथिकल इश्यूज आगे देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है बायो पायरेसी इज अ टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बिल्कुल सही बेटा बायो रिसोर्सेज को यूज करते हैं कौन यूज कर रहा है मल्टी नेशनल कंपनी अपने आप पेटेंट ले रही है और बेटा जो वहां पे मेन कंट्री है जिनका वो है ना ही तो उनसे ऑथराइजेशन ले रही है और ना ही उनसे कंपनसेटरी पेमेंट दे रही है ठीक है तो इसको बायो पायरेसी बोलेंगे अब देखेंगे मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच ऑब्वियसली बेटा जो इंडस्ट्रियल और डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो फाइनेंशियली काफी रिच होती है बट उनके पास इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती उनके पास इतनी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होती जो उसको वो यूज कर सके इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग कंट्री जैसे बेटा इंडिया जो है हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज और हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में है तो क्या होगा अक्सर ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज अगर उनसे वो रिलेटेड है तो ये बेटा एक्सप्लॉइट हो सकती है मॉडर्न एप्लीकेशन से ठीक है आगे देखेंगे और इसी तरीके से ऐसी चीजें बनाई गई ऐसे लॉज बनाए गए प्रिवेंट करने के लिए बेटा exploitation को रोकने के लिए क्या लॉज थे इट इज मेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन द Second अमेंडमेंट और इसका नाम क्या है इंडियन पेटेंट बिल कि ऐसी कोई चीज अगर होगी इंक्लूडिंग पेटेंट ने इमरजेंसी प्रोविजन बनाया रिसर्च किया डेवलपमेंट किया ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी ऑल राइट येस बेटा ये विद दिस आपका चैप्टर खत्म होता है अभी आपके स्क्रीन पे क्विज आएगा एंड आप उसका आंसर करेंगे ठीक है द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन जेनेटिक डिफेक्ट अडीनोसाइन एम डी एमिनेस Deficiency may be cured by what? May be cured by what beta? Next, the transgenic animals have been. राइट नेक्स्ट देखेंगे बेटा अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कैन बी क्योर्ड थ्रू वॉट जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा कैसे क्योर कर सकते हैं चलो पहला क्वेश्चन था एडीए डिफिशियंसी बेटा कल की क्लास में करा था आई होप सबको अच्छे से आता हो यहाँ पे हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बोन सेल्स को प्रोवाइडिंग एडीए इनटू सेल और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बेटा एक परमानेंट मेथड होता है क्योंकि हमने बोन मैरो में वो लिम्फोसाइट सेल दिए जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया और एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाला ताकि ये है जो बार बार वही अच्छे वाले सेल मल्टीप्लाई हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा वैक्सीन को सेव करने में ये yes, और प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा कैसे हो सकता है आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर कोई डिलीट हो गया कोई एड हो गया कोई मिसिंग हो गया कुछ भी कर रहा है उसको अगर मैं चेंज कर दू जीन को चेंज कर दू तो बेटा उसको जीन थेरेपी बोलेंगे ठीक है सो so विद दिस बेटा आज की क्लास खत्म होती है कल की क्लास में हम बायोटेक एंड एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड देन योर चैप्टर इज डन ऑल राइट इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे चलिए बाय बाय